जाति के नाम पर राजनीति, जाति के नाम पर कुछ भी मामला हो तो उसको जाति रंग दे देना, कोई अपराध है अपराधी पकड़ा रहा है तो उसमें जातीय रंग दे देना। जबरदस्ती और प्रलोभन से धर्म परिवर्तन नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्मांतरण राष्ट्रांतरण है। अगर कोई व्यक्ति धर्म बदलता है उसको भारत के मिट्टी से मोहब्बत प्यार प्रेम नहीं रहता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज, मैं हूं आपके साथ शिवम। एक बार फिर से पूरे देश में जाति जनगणना की जो मांग है वो तेज हो गई है। आपको बता दें कि जहां एक तरफ जेडीयू और राजद के जो सुर हैं वो मिल रहे हैं, वहीं साफ तौर से बीजेपी का कहना है कि जो जातीय जनगणना है वो नहीं होने चाहिए, जिसके बाद जो सियासत है वो एक बार फिर से पूरे तरीके से तेज हो गई है, जिसको लेकर आज हमने बीजेपी के विधायक संजय सरावगी और साथ ही साथ हरिभूषण ठाकुर से बात की, तो दोनों लोगों ने भी साफ तौर पे कहा कि जातीय जनगणना जो है वो नहीं होना चाहिए। क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के विधायक, पहले आप वो सुने। देखिए, जाति में बांटना ये सही बात नहीं, जाति के नाम पर राजनीति करना, जाति के नाम पर बांटना किसी हालत में, सनातनी परंपरा है हमारे देश में, हमारे देश में जो है आज से थोड़ी है, शुरू से है यह परंपरा, और यह विश्व का अनूठा जो है हमारा देश है हिंदुस्तान। तो जेडीयू परंपरा के उलट बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, वो तो उनका अपने अपने पार्टी का अपना अपना मामला होता है, वो उनका अलग अपनी विचारधारा है और भारतीय जनता पार्टी की अलग विचारधारा है, और जदयू हो राजद उनके अलग अलग विचारधारा, सब लोग अपने अपने विचारधारा के आधार पर बोलते हैं। रावी, आपको क्यों लगता है ऐसा कि जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए? लोग कहते हैं कि जातियों का पता चल जाएगा, गरीब पिछड़े का पता चलेगा। ऐसा कुछ नहीं है, जाति भेद धीरे धीरे और बढ़ाना है कि जाति भेद को पाटना है, जाति के नाम पर राजनीति, जाति के नाम पर कुछ भी मामला हो तो उसको जाति रंग दे देना, कोई अपराध है अपराधी पकड़ा रहा है तो उसमें जाति रंग दे देना, कहीं कोई मामला उठता है तो सब में जाति रंग दे देना। इसलिए जाति को पाट के समाज का निर्माण चाहते हैं और समाज बढ़ेगा, जाति विद्वेष पैदा करके, मतलब जाति आधारित राजनीति करना चाहती है जेडीयू? नहीं नहीं, मैं जेडीयू के विषय में कुछ नहीं बोलता। 2001 में धार्मिक जनगणना हुआ, 2011 में आर्थिक जनगणना हुआ, जिस तरह से जनगणना हो रहा है उसी तरह से होना चाहिए। बिहार में बढ़ते क्राइम और उसमें पर्टिकुलरली एक सेक्शन पे आपका क्या कहना है, अभी जो दरभंगा में हुआ, बांका में हुआ, सब जगह हो रहा है, इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। कोई भी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में जो भी संलिप्त हो उसको नहीं बख्शा जाए, और ऐसा हो रहा है। आपने देखा होगा कि NIA की टीम आ गई है, छपरा में देखे हैं कि आम सप्लायर पकड़ाया है, तो बिहार में ये हो रहा है, लेकिन उतनी ही त्वरित कार्रवाई भी हो रही है। धर्म परिवर्तन वाला मामला सामने आया, जबरदस्ती और प्रलोभन से धर्म परिवर्तन नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्मांतरण राष्ट्रांतरण है। अगर कोई व्यक्ति धर्म बदलता है उसको भारत के मिट्टी से मोहब्बत प्यार प्रेम नहीं रहता है, वह दूसरे देश की फिर कठपुतली बन जाता है, इसलिए धर्मांतरण नहीं होना चाहिए। सरकार को तरह का कार्रवाई, कानून बनाना चाहिए सरकार को। तो आपने साफ तौर पे सुना, बीजेपी के विधायक संजय सरावगी हो या बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर हो, दोनों लोगों का कहना है कि जो जातीय जनगणना है वो नहीं होना चाहिए। हमने यह भी सवाल किया कि जिस तरह से जेडीयू भी यह मांग कर रही है कि जातीय जनगणना होना चाहिए, इस पर उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हमारी पार्टी का स्टैंड जो है वो अलग है, जेडीयू का अपना स्टैंड है। अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी केंद्र सरकार से यह अपील की है कि जातीय जनगणना होना चाहिए, तो क्या केंद्र सरकार इस पर विचार करती है या नहीं। बहरहाल, आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।